फैसल टाउन फेज़ टू का ओवरसीज़ ब्लॉक कैसा होगा इस वक्त मैं खड़ा हूँ फैसल हिल्स में और ये आपका जो गेट नज़र आ रहा है ये एंट्रेंस गेट नंबर वन है फैसल हिल्स का जो मेन जीटी रोड पे निकलता है और इसके ऑपोजिट साइड पे सी डी सेक्टर सी एटीन बनता है अब ये जो एंट्रेंस गेट है इसके साथ ही बिल्कुल ये शुरू में कमर्शल एरिया है ये आपको फैसल जो फैसल हिल्स का हेड ऑफिस है वो नज़र आ रहा है और इसके साथ ये जो बिल्डिंग बन रही है ये जी प्लस फोटी की बिल्डिंग है अब जब ये बिल्डिंग बनेगी फैसल ज्वेल तो इसकी विजिबिलिटी मेन जे टी रोड से बहुत ज़्यादा होगी यानी कि अगर लाइट से कोई भी ट्रैफिक जो जे टी रोड पर कम्यूट करती है जो पाकिस्तान के खत्े की सबसे पुरानी रोड है जो अफगानिस्तान काबुल से स्टार्ट होकर जाती है इंडिया न्यू डेली तक बल्कि चिटा बांग्लादेश तक जाती है अब यो जे टी रोड है इससे विजिबिलिटी जब डेली की ट्रैफिक गुजरेगी तो फैसल ज्यूल को देखेगी इस फैसल हिल्स के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी विजिबिलिटी बनेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि इस जगह पर प्राइज़ ज़्यादा होंगी अब ये एक्जाम्पल रिलेट करने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में आपको ओवरसीज़ प्राइम की भी इसी तरह विजिबिलिटी मिलेगी वो भी पाकिस्तान की सबसे फ्लैगशिप रोड मोटरवे से उसकी वजह यह है कि ओवरसीज़ ब्लॉक और जनरल ब्लॉक की लोकेशन का फ़र्क ऐसे ही है जैसे यहाँ पे फैसल हिल्स में एक्जैक्टिव ब्लॉक का और ब्लॉक एक है एक्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आपको पाँच मिले का प्लाट मिलता है एवरेज पैंसठ से सत्तर लाख रुपये का जो पाँचवन लाख एग्जिस्टिंग प्राइस है और आपको ए ब्लॉक में जो प्लॉट मिलता है उसकी प्राइस है अप्रॉक्सीमेट 45 फाइव लाख अब ओवरसीज़ ब्लॉक का सात लाख महंगा लॉन्च किया गया पुराने रेट से लेकिन उसका गैप इस तरह से बनता है कि जब ओवरसीज़ ब्लॉक डेवलप होगा डेफिनेटली उसकी प्राइसेस भी ए ब्लॉक की तरह यहाँ पे बाकी दूसरे ब्लॉक जिस तरह एक्जेक्टिव का फर्क है इस तरह फर्क रहेगा